9 बजे सुबह में मैंने सपना देखा और सपने में नेताजी आए थे मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की और कि आज हमारे मन में आया कि चलते हैं साइकिल से। अब मैं सपने में वृंदावन जा रहा था, तो वृंदावन के रास्ते में नेताजी सेफई गांव पड़ा, तो मैं सोचा कि एक बार घूम लेता हूँ। तरीके से पॉल्यूशन आए दिन हो रहा है, उससे है कि आदमी साइकिल ही चलाए तो बेहतर है, उससे शरीर भी अच्छा रहेगा, फिटनेस भी बना रहेगा। और ये कहां से आपको मिला क्या साइकिल से? मुलायम सिंह जी, तो उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की सामने और कि आज हमारे मन में आया कि चलते हैं साइकिल से, उससे पर्यावरण भी बचा रहेगा। और सपने में मेरे नेताजी ने खुद मेरे साथ साइकिल चलाया, इससे स्वभाव की बात और क्या हो सकती है। अब मैं सपने में वृंदावन जा रहा था, तो वृंदावन के रास्ते में नेताजी सेफई गांव पड़ा, तो मैं सोचा कि एक बार घूम लेता हूं, और वहां हमारा रिलेशन भी है। तो जब मैं वहां गया तो देखा कि नेताजी कुछ नेताओं के साथ बैठे हुए थे, तो नेताजी हमको देखे तो वो पूरे तरीके से बोले कि अरे तेज प्रताप जी आप यहाँ, तो उसके बाद वो हमको लेकर के बोले कि हम उनको बोले कि हम पूरा गांव आपका घूमना चाहते हैं, तो उन्होंने हम बोले कि साइकिल पे घूमना चाहते हैं, तो उन्होंने तुरंत साइकिल मंगाया दो, एक वो खुद चला रहे थे और मैं चला रहा था साथ में। और उसके बाद मैं निकला वहां से, निकलने के बाद कुछ दूर तक मैं गया तो वहां पे नेताजी थे और किसी औरत से नेताजी बात कर रहे थे कोई गाँव की, तो उन्होंने अपना समस्या कुछ बताया होगा नेताजी को। तो फिर नेताजी से उन्होंने पूछा जो महिला थी कि ये कौन है आपके साथ, तो नेताजी ने कहा कि ये तेज प्रताप जी हैं, बिहार से आए। और उसके बाद उन्होंने पूरा एक वहाँ शादी का फंक्शन था तो उन्होंने अटेंड किया और हमने भी अटेंड किया उनके साथ साथ, तो वहाँ भी उनको देख के अचानक से साइकिल के साथ लोगों ने चौंक गए सारे लोग। उसके बाद हमारे कमरे में जब हम अपने कमरे में बैठा था सपने में, तो कमरे में नेताजी हमारे ठीक सीट के बगल में मूढ़ा रखा हुआ है उस पर बैठ गए, हम बोले चेयर पे बैठिए आप, तो वो चेयर पे नहीं बैठे, मूढ़े पे बैठ गए। ऐसा क्यों? अब उनका सादगी, तो वो बैठे वहाँ, उसके बाद मैं भी वहाँ ज़मीन पे बैठ गया। फिर नेताजी से पॉलिटिकल भी बातें हुई, उन्होंने हमको बोला कि आप डिपार्टमेंट संभाले हैं, आप खूब आगे बढ़िए, मेरा आशीर्वाद है और बहुत ऊँचाइयों तक जाइए। उसके बाद उन्होंने मुझे घड़ी दिया, जो वो घड़ी पहनते थे उन्होंने घड़ी मुझे दिया, और घड़ी देने के बाद जब मैं घड़ी लिया तो मैं भावुक हो गया, उनके चरणों को मैं आशीर्वाद लिया तो मैं रोने लगा, तो नेताजी भी मेरे साथ रोने लगे। हम बोले नेताजी को कि नेताजी आप हमको छोड़ के चले गए, अब सारे लोगों को छोड़ के चले गए, तो नेताजी ने कहा कि मैं छोड़ के कहीं गया नहीं, मैं आप ही लोग के बीच में हूँ। तो आप सिर्फ अरण्य भवन आए या बाकी मंत्रालय भी जाएंगे साइकिल से? नहीं, अभी तो जो हमारा डिपार्टमेंट है ऑफिस से घर और घर से ऑफिस, हम साइकिल से आएंगे। और बाकी लोगों को भी क्या कहेंगे कि साइकिल से चले? बाकी लोग, आप लोग जिस तरीके से गाड़ी से चल रही थी, तो आप लोग को भी हम कहेंगे कि साइकिल से, साइकिल का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कीजिए। बाकी मंत्रियों को भी कहेंगे? सारे लोग करेंगे, सारे लोगों को हम कहेंगे, जो भी मनुष्य है, जो भी मानव है, सारे लोगों को हम कहेंगे कि आप लोग साइकिल से चलिए और पर्यावरण जो है उसको बचाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए।